Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. तो हम जो है असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं. आपका टॉपिक जो है सोलर सिस्टम हमने कंप्लीट किया हुआ है. ठीक है, अब सोलर सिस्टम में जो जो हमने सन के बारे में पढ़ लिया, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो आज हम पढ़ने वाले जैसे कि टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होता है, यह क्वेश्चन जो है आपके जो है पीएम पैकेज वालों के जो माइग्रेंट्स थे उनके पेपर में जो है ये क्वेश्चन आया है. तो देखिए टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं. टेरिस्ट्रियल का मीनिंग होता है अर्थ लाइक. क्या होता है मीनिंग इसका, अर्थ लाइक. तो वो प्लैनेट जो अर्थ की तरह दिखते हैं, अर्थ जैसे है, तो उनको उन्हें हम जो है वो टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं. तो टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स में हमारे पास मरकरी आता है, वीनस आता है और मार्स आते हैं. तो ये तीन प्लैनेट आप देखेंगे, एक मरकरी हो गया, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के साथ हमारे पास मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया, ये मार्स हो गया. तो ये तीन प्लैनेट जो होंगे ये टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है वो कहलाएंगे. तो अब हम जो है इन टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स का थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर लेंगे कि ये अर्थ के जैसे है, क्यों है अर्थ के जैसे, इनमें क्या कुछ एक जैसा है. पहली बात, ये जो है ये इनर प्लैनेट्स है. हमने देखे थे इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं. देखिए मरकरी है हमारे पास वीनस है, हमारे पास है, हमारे पास अर्थ है और हमारे पास मार्स है. ठीक है, ये हमारे पास प्लैनेट्स है. हम जानते हैं जो अर्थ होती है ये सॉलिड, इसका इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है और मोल्टन जो है आउटर कोर होता है और इसमें मेंटल होती है. तीन पार्ट जो होते हैं हमारे अर्थ के होते हैं. क्या क्या पार्ट होते हैं हमारे अर्थ के? अर्थ में हमारे पास जो है वो हमारे पास सॉलिड इनर कोर होता है, मोल्टन जो होता है इसका आउटर कोर होता है और मेंटल जो होता है वो इसका थर्ड पार्ट रहता है. ठीक है, काफी छोटा शायद लिखा हुआ है, आपको क्लियर दिखे या ना दिखे बट याद रख लेना इन चीजों को. तो अगला देख लेंगे, ये तो हमारी अर्थ के बारे में है. तो अर्थ का जो है हमारे पास जो है टेम्परेचर केल्विन में अगर हम बात करेंगे 200 to 315 डिग्री तक केल्विन जो है माना जाता है. इसके एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, इसमें ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो का है वो पार्ट रहेगा. ठीक है, तो इतना जो है काफी है इसके बारे में. मरकरी के बारे में देखेंगे, नॉट नोन वेदर अ लिक्विड और अ सॉलिड, ये इसके बारे में हमें नहीं पता है. फिर हम जो है इसकी अगर हम सरफेस की बात जो है वो करेंगे, सरफेस नहीं टेम्परेचर की बात करेंगे. ठीक है, तो 700 केल्विन से लेकर जो इसमें डे में टेम्परेचर होगा और नाइट में काफी कम हो जाता है, 100 जो है वो 100 जो है केल्विन जो होता है वो नाइट में होगा. तो ये इसका है. वीनस के बारे में पता है हमने, वीनस में हमने पढ़ा है कि ये सबसे ज्यादा जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट है. ठीक है, मरकरी जो है अर्थ से काफी नजदीक है लेकिन वीनस जो है वो हॉटेस्ट है. तो वीनस में जो है 750 जो है वो केल्विन जो है वो टेम्परेचर होता है. फिर हम जो है मार्स की अगर हम बात करेंगे, इसमें 160 to 280 केल्विन तक इसमें टेम्परेचर होता है. तो ये जो था इस इनर प्लेनेट हमारे जो टेरिस्ट्रियल प्लेनेट है इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे. बाकी जो है आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पता ही है, यहाँ पर हम देख लेंगे जैसे कि मरकरी है, इसके एटमॉस्फेयर में माना जाता है कि इसमें हाइड्रोजन हीलियम जो है ये हमारे पास जो है वो है. इसके अलावा जो है अगर हम मार्स की बात करेंगे, बोला जाता है इसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है. ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वीनस में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड होगी. तो ये देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होगा, नाइट्रोजन होगा. ठीक है, तो ये हम जो है इसके बारे में जान सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे. तो अगली जो टर्म हम देखेंगे ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में जानेंगे. देखिए आपको थोड़ा सा तो कंसेप्ट होगा, जैसे कि हम प्लूटो को पहले प्लैनेट मानते थे, अब हम उसे प्लैनेट नहीं मानते हैं, उसे जो है हमने ड्वार्फ प्लैनेट में जो है कैटेगराइज कर दिया गया है. लेकिन ये ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो है क्या चीज? देखिए प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट का यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर करा देता हूँ. एक ही जो है वो डिफरेंस है, प्लैनेट की ही तरह होती है ये ड्वार्फ प्लैनेट भी. देखिए प्लैनेट क्या करता है, ऑर्बिट द सन डायरेक्टली, और ड्वार्फ प्लैनेट भी जो है ये भी करते हैं, ऑर्बिट द सन डायरेक्टली. ठीक है, प्लैनेट जो होता है मैसिव एनफ टू बी राउंडेड बाय इट्स ऑन ग्रेविटी, और अगर हम ड्वार्फ प्लैनेट की बात करेंगे, दे आर मैसिव एनफ टू बी राउंडेड बाय इट्स ऑन ग्रेविटी. प्लैनेट में क्या होता है, दे हैज क्लियर्ड द स्मॉलर ऑर्बिट स्मॉलर बॉडीज फ्रॉम इट्स ऑर्बिट. तो प्लैनेट जब घूम रहा होता है उसके ऑर्बिट में जो भी स्मॉलर स्मॉलर बॉडीज होती है उनको क्लियर कर देता है, वहां से अपना रास्ता जो है साफ कर देता है. लेकिन जो ड्वार्फ प्लैनेट है, ये यहाँ से पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, ड्वार्फ प्लैनेट क्या करता है, हैज नॉट क्लियर द स्मॉलर बॉडी जो है फ्रॉम इट्स ऑर्बिट. तो ड्वार्फ प्लैनेट जो है अपने ऑर्बिट से जो है बॉडीज को जो है वो क्लियर नहीं करता.
देख लीजिए आप, ये हमारे पास मार्स है, आप जानते हैं ये एक प्लेनेट है, और यहाँ पर प्लूटो है। आप देखेंगे प्लूटो के रास्ते में जो है कुछ और जो है बॉडीज जो है वो आ चुकी है, ठीक है, तो ये उन्हें जो है वो क्लियर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सी ऐसी बॉडीज है जिसे हम ड्रॉप प्लेनेट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि हमारे पास जो है वो सीरस है, ये एक हमारे पास बॉडी है, तो इसे हमने डिस्कवर किया था 1801 में जो है, 45 ईयर्स बिफोर द नेपट्टून से भी पहले, January 1, 1801 में। तो ये हमारे पास कुछ जो है ड्रॉप प्लेनेट है, याद रखेंगे। फिर अगर हम प्लूटो की बात करेंगे, डिस्कवर्ड ऑन February 18, 1930 में इसको डिस्कवर किया था। एरिस की बात करेंगे, डिस्कवर्ड ऑन January 5, 2005 में जो हमने आयरिस को जो है वो डिस्कवर किया था। ये हमारी जो है वो क्या है, ये ड्वार्फ जो है वो प्लैनेट्स हैं। फिर एक और हमारे पास आता है होमिया, डिस्कवर्ड ऑन December 28, 2004, ठीक है, मेक मेक डिस्कवर्ड ऑन March 31। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट है, ये इधर रख देना। एक और हमारे पास बॉडी है मेक मेक, इसको डिस्कवर किया है 31 मार्च 2005 को, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेक मेक है, ये होमिया है, देखिए इनके साथ में जो है छोटी छोटी बॉडीज है, इन्होंने इनको क्लियर नहीं किया है। ये हमारी अर्थ है, तो ये साइरस है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आयरिस है जिसको हमने जो है डिस्कवर 2005 में किया है, और फिर ये बड़ा आप देखेंगे लूना जो है ये भी है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने फिगर आपको दिखा दी इस लूना की, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए आगे कुछ कंसेप्ट जानने के लिए, ठीक है। अब देखो जो ड्राफ्ट प्लेनेट है, इन कंपैरिजन हम इन ड्राफ्ट प्लेनेट को जो है कंपैरिजन किससे करते हैं, जो अभी मैंने आपको लूना दिखाया इसी से हम कंपैरिजन करते हैं। लूना जो है काफी बड़ा है, ठीक है, तो जो हमारा जो साइरस है इसका जो डायमीटर अगर हम देखेंगे एज कम्पेयर टू द लूना, फिर इसका जो है मास देखेंगे लूना से, फिर डेंसिटी देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे और ऑर्बिटल पीरियड देखेंगे। आप देख लीजिए कि आपके पास जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया देना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन जो है कुछ डिफरेंट टाइप से आ जाता है काफी डिटेल में, तो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो है इन चीजों का होना चाहिए। फिर प्लूटो हमारे पास आता है, फिर होमिया आता है, मेक मेक आता है, और आयरिस ही हमारे जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट्स है। तो अब मैं जो है आपको इनका एक एक के बारे में जो है जरा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो ये भी पहले जो है इनमें ड्वार्फ प्लेनेट से पहले इनको भी जो है प्लेनेट जो है वो माना गया था, जैसे हम जानते हैं प्लूटो जो है वो प्लेनेट था, इसी तरीके से जो सीरस है ये भी पहले प्लेनेट था, बाद में इसको रिक्लासिफिकेशन कर दिया है ड्वार्फ प्लेनेट में। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया, पहला हमारे पास जो है सीरस है, तो सीरस जो है फाउंडेड इन एस्टेराइड बेल्ट। एस्टेराइड बेल्ट जो है वो कहाँ पर होती है, जब हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था हमारा जो है मार्स था, और मार्स और जो है जुपिटर था, इनके बीच में जो बेल्ट चलती थी वो एस्टेराइड बेल्ट थी। तो फाउंडेड इन द एस्टेराइड बेल्ट में ही जो है वो सीरस जो है वो प्लेनेट मिला था। मैं प्लेनेट का लफ्ज यहाँ पर यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो है इसको कंसिडियर किया था एक हाफ सेंचुरी में, पूरे 50 सालों के लिए हमने इससे जो है वो क्लासिफाइफिकेशन जो है हमने इसकी प्लेनेट के तौर पे की थी, ठीक है, और उसको बिफोर जो है रिक्लासिफिकेशन कर दिया गया था बाद में एज एन एस्टेराइड। सो वंस कंसिडर्ड द लार्जेस्ट एस्टेराइड, इसको फिर हमने उसके बाद लार्जेस्ट एस्टेराइड भी कहा है, और उसके बाद जो है 2006 में जो है हमने इसको ड्वार्फ प्लेनेट जो है वो कहा है, ठीक है। तो सीरस के बारे में इतने ज्यादा फैक्ट मैंने आपको बता दिए कि ये जो है 1801 में डिस्कवर किया, इसे हम एक सदी तक, सॉरी हाफ सेंचुरी तक हम इसे जो है प्लेनेट मानते थे, उसके बाद हमने इसको लार्जेस्ट एस्टेराइड बेल्ट माना कि लार्जेस्ट एस्टेराइड है, फिर उसके बाद हमने इसको ड्वार्फ प्लेनेट 2006 में जो है फाइनली जो है वो क्लासीफाई कर दिया। फिर हम देखेंगे सीरस के बारे में कुछ और फैक्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑर्बिट इसका एक सीरस का पूरा यहाँ पर, तो ये देखिए कंटेन 1/3 ऑफ द टोटल मास ऑफ ऑल द एस्टेराइड, ठीक है। ऑर्बिटल पीरियड 4 to 6 ईयर्स है। सेमी मेजर एक्सिस 2.8 अर्थ में जो है वो AU है। डायमीटर जो है वो 950 किलोमीटर है, और टेम्परेचर जो है 160 जो है वो केल्विन है। तो AU जो है हमारे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं। तो ये जो है आपके लिए फैक्ट जो है इसके बारे में जानना काफी है। तो ऐसे फैक्ट क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका ज्योग्राफी में सिलेबस कम है, और जो है क्वेश्चन इसके जो है काफी जो है वो डिफिकल्ट भी आ रहे हैं कुछ, ठीक है, अगर हमने वो चीजें पढ़ी ना हो तो मे बी नुकसान हो सकता है। तो आप देख लीजिए इसकी साइरस की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, ये साइंटिस्ट है जिनका नाम जो है ग्यूसी पियाजी है, 1801 में की थी, बट इसकी पॉसिबिलिटी थी कि ये प्लेनेट होगा, ये सजेस्ट किया था 1772 में, और इसको जो है नेम्ड किया गया है बाय द रोमन गॉडेस ऑफ द प्लेनेट, उसी के नाम पे किया गया है, ठीक है।
तो आगे हम देखेंगे साइरस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। सरफेस लाइक जो है इसकी वो कैसी है, सी क्लास एस्टेरॉइड है, आप देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी डिफरेंशिएटेड इंटीरियर है, ब्राइट स्पॉट ऑफ द अननोन कॉम्पोजिशन, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट है, बट ये किसका बना है ये नहीं पता, ठीक है। ये जो है ब्राइट स्पॉट जो है वो किसका बना है इसके बारे में नहीं जानते। अब हम जो अपने प्लूटो के बारे में जानेंगे, अब प्लूटो जो है इसके बारे में जानेंगे, तो इसको हमने जो है कंसीडर द नाइन्थ प्लैनेट फ्रॉम 1930 से लेके 2006 तक हमने इसको प्लैनेट माना है, ठीक है। हमने इसको 76 ईयर जो है प्लूटो को जो है प्लैनेट माना है, 76 ईयर 1930 से लेकर जो है वो 2006 तक। उसे उसके बाद जो है हमने इसको जो ड्रॉफ प्लैनेट जो है वो क्लासिफाई कर दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन कभी आता है कि कब हमने इसको ड्रॉफ प्लैनेट क्लासिफाई किया है, तो 24 अगस्त 2006 को, और ये पहला जो है वो ड्रॉफ प्लैनेट जो है वो बना है, ठीक है। नेम द फॉर द रोमन गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, उसके नाम पे जो है इसका नेम पड़ा है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्लूटो से रिलेटेड, आप याद रखेंगे। प्लूटो की डिस्कवरी अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, प्लूटो की डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेपट्यून शोज दैट द समथिंग वाज परटर्बेटिंग इट्स ऑर्बिट। तो इन 1906 लोवल ऑब्जर्वेशन बिगेन अ सर्च फॉर द प्लैनेट एक्स के लिए जो है खोज जो है वो शुरू कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो है क्लाइड डी टॉम्बर्ग जो थे, इन्होंने डिस्कवर किया था प्लूटो को 1930 में यूजिंग अ ब्लिंक कंपैरेटर, ठीक है। ब्लिंक कंपैरेटर की मदद से जो है वो इन्होंने जो है प्लूटो की डिस्कवरी की थी। तो याद रख लेंगे इन सिंपल सा फैक्ट। कुछ डेटा देख लेते हैं प्लूटो से रिलेटेड। ये हमारा प्लूटो है, तो ऑर्बिटल पीरियड 248 ईयर्स है, सेमी मेजर एक्सिस 39 जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, डायमीटर 2300 किलोमीटर है, टेम्परेचर 44 केल्विन है, थ्री नॉन मून्स है इसमें, वो कौन कौन से है, चेरोन है, निक्स है और हाइड्रा है, ये तीन इसके मून है। तो ये जो है आप याद रख लेंगे। तो अगला हम जो है ड्रॉफ प्लेनेट देखेंगे, होम याप शेप देख सकते हैं इसकी। तो ये जो है ड्रॉफ प्लेनेट है बियॉन्ड द नेपट्यून, नेपट्यून से भी पार में जो है ये एक ड्रॉफ प्लेनेट है, और इसका जो नाम रखा है गॉडेस ऑफ द आइलैंड्स ऑफ हवाई। इसके दो जो है वो मून है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो थोड़े थोड़े फैक्ट जो है बाकी उनके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मेक मेक, ये हमारा जो है प्लेनेट, ये ड्रॉफ प्लेनेट है मेक मेक, प्लूटाइट हम इसे कहेंगे क्योंकि प्लेनेट नहीं है। नेम्ड फॉर द क्रिएटर ऑफ द गॉड ईस्टर आइलैंड, नो नॉन सैटेलाइट है, तो ये याद रख लेंगे मेक मेक से रिलेटेड। इसके बारे में एक और फैक्ट देखेंगे, इसको हमने एक्सेप्ट किया है ड्रॉफ प्लेनेट कब किया है, 2008 में, जुलाई 11, 2008 में हमने जो है इसको जो है मेक मेक को ड्रॉफ प्लेनेट जो है वो एक्सेप्ट किया है। और इसको जो है खोजने वाले जो थे 2005 में जो थे माइक ब्रोन थे, ठीक है, माइक ब्रोन जो थे उन्होंने इसे जो है वो इसकी डिस्कवरी की है। अब हमारे पास जो है एक और इम्पोर्टेंट आता है, आयरिस जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, जब आयरिस की जो डिस्कवरी हुई थी तब इसे हमने जो है 10th प्लेनेट माना था। आज प्रेजेंट डेट में 8 प्लेनेट्स है, लेकिन तब हमने इसे 10th प्लेनेट माना था, तब हम प्लूटो को भी प्लेनेट ही कंसिडर करते थे। मगर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी, आज की डेट में जो है ये ड्रॉफ प्लेनेट की कैटेगरी में है, बट ये बात याद रखेंगे लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, 27% मोर मैसिव जन द प्लूटो, नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉडेस ऑफ द डिस्कॉर्ड। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट देखेंगे, इसकी डिस्कवरी जो है इन्होंने ही की थी, जिनका पहले मैंने नाम लिया माइक ब्रोन ने जो है वो कालटेक में ही डिस्कवरी की थी, ठीक है, 2005 में। लेकिन जो है इसे जब हम डिस्कवरी हुई थी तब हमने इसको जो है वो 10th प्लेनेट माना था, लेकिन जो है बाद में हमने जो है इसे 10th प्लेनेट नहीं बल्कि हमने इसको ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रखा। तो ओरिजिनली जो है इसका नेम पहले जो है वो जीना रखा गया था, एक्सेप्टेड एज अ ड्वार्फ प्लेनेट ऑन 13 सितंबर 2006। तो ये फैक्ट जो है आप इसके लिए याद रखेंगे। अब हम कुछ वन लाइन फैक्ट देखेंगे, रोटेशन क्या होता है। रोटेशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ स्पिनिंग ऑन एन एक्सिस, ठीक है, एक्ट ऑफ स्पिनिंग ऑन एन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे जो है स्पिन करना, उसे हम रोटेशन कहते हैं। अगर हम अर्थ की बात करेंगे, अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू मेक वन कंप्लीट रोटेशन, तो अर्थ जो है 24 घंटे लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। अगला फैक्ट हम देखेंगे, ऑर्बिट क्या होता है। देखिए, एक क्लोज्ड कर्व्ड पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट फॉलोज एज इट मूव्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। अर्थ मूव्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन, जैसे कि अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूम रही है, जो ये पाथ फॉलो करती है तो
ठीक है, ये पाथ जो होगा ये ऑर्बिट कहलाएगा। अगला फैक्ट हम देखेंगे रिवॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑर्बिट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर जो है वो सन है, सन के इर्द गिर्द जो है बहुत से जो है प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी और ऑब्जेक्ट के आसपास बट इन एन ऑर्बिट, ठीक है, एक जो ऑर्बिट जो है फॉलो करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं और मूव करते हैं इन ए रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ईच प्लेनेट हियर हैज इट्स ऑन ऑर्बिट, हर एक प्लेनेट का अपना अपना ऑर्बिट है, तो ये रेवोल्यूशन कहलाएगा। अब हम अगला फैक्ट देखेंगे सैटेलाइट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट डेट रिवॉल्व अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट उसे हम सैटेलाइट कहेंगे। सैटेलाइट जो है वो नेचुरल भी हो सकती है जैसे कि मून है, और ये हम मैनमेड भी बना भी सकते हैं खुद, जैसे कि स्पेस स्टेशन में हम डालते हैं वेदर सैटेलाइट है या और कोई सैटेलाइट है, तो ये सैटेलाइट जो है वो कहलाएगी। इस पिक्चर में जो है आप सैटेलाइट देख सकते हैं, ये जो है वो सैटेलाइट है, इस तरीके से कि सैटेलाइट जो है वो मैनमेड सैटेलाइट कहलाती है। तो आज की वीडियो में जो है हम टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, अपना जो सोलर सिस्टम का टॉपिक है, तो थोड़ा सा जो हम प्लैनेट्स को जो है दोबारा से रिवाइज करेंगे कि क्वेश्चन उसमें कुछ और तरीके से भी कभी कभी आते हैं। देखिए, ये हमारा प्लैनेट जो है ये सन है, और सन के जो है आसपास जो है वो यहाँ पर जो है बाकी प्लैनेट्स है, तो क्या हम इन प्लैनेट्स का जो है राइट ऑर्डर जानते हैं? डू वी नो द प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम? तो देखिए, हु थिंक्स दे कैन डू इट इन द राइट ऑर्डर? अगर हमने देखना है सन से जो है वो आउटवर्ड की तरफ जो प्लेनेट जा रहे हैं इनका राइट ऑर्डर जो है वो अगर मैं पूछूं आपको तो क्या होगा? देखिए, ये हमारे जो है वो सारे के सारे प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, तो प्लेनेट्स है एंड द मून्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम, ये हमारा जो है वो सन है, सन के बाद जो है वो मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, इस तरीके से है, तो प्लूटो तो ड्वार्फ है, ये जो है प्लेनेट में नहीं है, ठीक है। अब इसी प्लेनेट को हम जो है वो अरेंज करके देखेंगे लाइनवार से कि कौन सा प्लेनेट कब आएगा, तो स्टार्ट करते हैं और साथ में एक ट्रिक जो आप बचपन से पढ़े हुए हैं वो याद रखेंगे। तो पहला, ये हमारे पास जो है वो एक फॉर्मूला है, वो ये है कि माई वेरी ईगर मदर या एजुकेटेड मदर जो होगी जस्ट सर्व अस नाइस पिज्जा, तो हमने समझा था ना ये बचपन में, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला है, माई वेरी ईगर मदर जस्ट सर्व अस नैचोस या नाइस पिज्जा बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस फॉर्मूले से हम प्लैनेट्स को लाइन बार याद रख सकते हैं। माई से मरकरी हो गया, वी से वीनस हो गया, अर्थ से अर्थ हो गया, और साथ साथ में आप शेप भी देखिए, जैसे कि अर्थ मैं ब्लू दिखा रहा हूँ तो आपको पता चलेगा ये ब्लू प्लेनेट है। फिर इसी तरीके से मार्स है, मदर से मार्स हो गया और ये रेड प्लेनेट होगा। फिर जस्ट जुपिटर, जुपिटर ये है, इसमें हमने रिंग्स देखे थे, डस्ट के रिंग्स होते हैं। फिर जो है सैटर्न है, सैटर्न में हमने देखा था इसमें किस टाइप का जो है वो गैस होती है। फिर यूरेनस आता है और फिर हमारे पास नेपच्यून आता है। तो माई वेरी ईगर मदर जस्ट सर्व अस नेचोस, तो यहाँ पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गए होंगे। तो अब मैं जो है आपको इन प्लैनेट्स को जो है एस्टेराइड बेल्ट वो सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। देख लीजिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है, अब हमने इसमें जो है ये हमारा जो है जुपिटर है और साथ में सैटर्न है, ये सबसे बड़ा प्लेनेट हम जानते हैं। देख लीजिए, पहला मरकरी, फिर हमारा वीनस, ये हमारा अर्थ, ये हमारा मार्स, और मार्स के बाद हमारी जो होगी वो एस्टेराइड बेल्ट है। ये जो लाइन आपने देखी ये एस्टेराइड बेल्ट कहलाएगी, और इसके बाद एस्टेराइड बेल्ट है ये, और इसके बाद जो होगा वो जुपिटर होगा, फिर हमारा सैटर्न होगा, फिर हमारा यूरेनस होगा, और फिर हमारा नेपच्यून होगा। तो ये आपके जो है वो सारे प्लैनेट्स हैं। तो आज की जो है आखिरी टर्म होगी, और इस टर्म के बाद जो है हम अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो एक टर्म आती है स्टेलर पैरेलैक्स, क्या होता है? तो क्या होता है, द अपेरेंट मूवमेंट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ मोर डिस्टेंट स्टार एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। देख लीजिए, सपोज ये सन है और सन के इर्द गिर्द जो है वो अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, तो पीछे जो भी डिस्टिंग स्टार होंगे इनकी जो है मूवमेंट होती है अपेरेंट मूवमेंट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ मोर डिस्टिंट स्टार एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये जो है स्टेलर पैरेलैक्स है। इसे एक इंस्ट्रूमेंट से जो है वो देखा जाता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये हमारा सन है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आए, ये हमारा सन है और मैं भी जो है एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूं। ये सन है, सन के इर्द गिर्द जो है हमारी जो है ये अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है एक ऑर्बिट पे, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट से जो है हम इसका जो है वो इसे मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे से। तो अब देखिए, ये हमारी अर्थ है, अब यहाँ पर जो है फोकस कीजिए कि मूवमेंट होगी,
अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑब्जर्व करेगा यहाँ पर स्टेलर पैरेलेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं, तो एक आइडिया आपको जो है इस चीज का जो है हो गया कि अगर हमने मेन टॉपिक जो पढ़ लिया था, अगर उससे अलग जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो ये चीजों पे जो है आ सकते हैं कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट ड्वार्फ में है, कौन रिसेंटली ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो कहा गया है। तो मैंने हर किसी का ईयर भी जो है वो आपको जो है बता दिया है। इस तरीके से जो है उम्मीद करते हैं कि आप कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिए और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो है वो हमसे जो है जुड़ना ना भूलिए। देखिए जो माइग्रेंट्स का पेपर हुआ था उसके मेरे पास जो है ऑलमोस्ट पूरे के 120 के 120 क्वेश्चन 2-3 शिफ्टों के जो आ चुके हैं। पूरा पेपर जो है हमारे पास, सीबीटी बेस्ड पेपर था वो, मैं आपके लिए जो है वो अपलोड करूंगा, ठीक है। अभी मेरा जो है वो इंटरनेट पैक नहीं था, मैं जो है किसी और का वाईफाई यूज करके जो है अपलोड कर रहा था, तो टाइम मिलते ही जो है, अब उतना टाइम नहीं मिलता है, बट मैं वो क्वेश्चन जो है आपके साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं पूरा पेपर सॉल्व जो है आपको दे नहीं सका, बट उसकी आंसर की जो है वो आपको ऑफिशियल आंसर की जो है वो मिल जाएगी उसकी, ठीक है। तो वो मैं आपके सामने जो है आप उसकी खुद से जो है प्रैक्टिस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।